हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर कम्युनिज्म के टाइम पर नो पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में किसी भी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। सोवियत गवर्नमेंट हैड फेल्ड कम्प्लीटली ऑन एग्रीकल्चरल एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्रंट्स। ना तो एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट हुई, ना ही इंडस्ट्रियल फील्ड में डेवलपमेंट हुई। Not only this, but the relationship between farmers and laborers also had changed. Agriculture में जो farmer काम करते थे और industries में जो laborers काम करते थे, इनके बीच के relationship भी ख़राब हो गई। इनके बीच जो friendship थी वो opposition में change हो गई। पहले दोनों दोस्त थे, अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के opposition में हो गए। And disputes और लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। Due to lack of mutual coordination between government departments, डिस्टेंस इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस टू ऑल्सो हैड इंक्रीज्ड। और जो फार्मर्स और लेबरल्स थे, इनका क्या हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह से कोऑर्डिनेशन ख़राब हो गया, जिसके वजह से दोनों के बीच का म्यूचुअल रिलेशन भी ख़राब हो गया। ट्रांसपोर्ट एजेंसीज डिड नॉट कोऑपरेट वेल, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा नहीं था। लेबरर्स वर नॉट रेडी टू वर्क वॉलेंटरली। और जो इंडस्ट्रियल वर्क लेबरर्स थे, ये लोग भी अपने मन से काम नहीं करना चाहते थे। फॉर टेकिंग वर्क बाई फोर्स, ज़बरदस्ती काम कराने के लिए द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स वार सॉट, है ना। अगर ज़बरदस्ती इन लोग से काम करवाना था तो गवर्नमेंट की ऑर्डर चाहिए थी। इवन द लेबरर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग वर्क वॉलेंटरली। और जबकि लेबरर्स तैयार ही नहीं थे काम करने के लिए, तो एबसेंटीज एंड स्ट्राइक इंक्रीज। तो क्या हुआ कि लेबर जो थे वो एबसेंट करने लगे, स्ट्राइक करने लगे। ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली मतलब आम तौर पर, द प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल पब्लिक कंटिन्यूड राइजिंग। और इस तरीके से जो लोगों का प्रॉब्लम्स था वो बढ़ता चला गया। वॉर कम्युनिज्म वॉज नॉट एनी पॉलिसी ऑफ द सोवियत गवर्नमेंट। वॉर कम्युनिज्म सोवियत गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं था, बट वॉज अ प्रोविजनल पॉलिसी अडॉप्टेड ड्यू टू द सरकमस्टांसेज ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर के सरकमस्टांसेज, मतलब ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि सिविल वॉर होने वाला है, बस उसके वजह से कुछ टाइम के लिए इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, वॉर कम्युनिज्म के पॉलिसी को। द एक्यूमुलेटिंग क्लाउड्स ऑफ सिविल वॉर फॉर मंथ्स बिफोर, क्योंकि काफ़ी महीने से सिविल वॉर जैसा वहाँ सीन बन रहा था, वर टू रेन, अब वो शुरू होने वाला था। एक्सटर्नल पावर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म इनसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, मतलब इंडिविजुअल के ट्रेड्स को, प्राइवेट सेक्टर को जो सपोर्ट करते थे, और जो एक्सटर्नल पावर थे, जॉइंटली वांटेड टू अपरूट द कम्युनिज्म एंड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। वो नहीं चाहते थे कि सोवियत गवर्नमेंट रशिया में रहे, और वो उसे हटाना चाहते थे। कैपिटलिस्टिक पावर्स वांटेड टू गेट ट्रांसप्लांटेड देयर अगेन, फिर से यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड चालू करना चाहते थे लोग। फार्मर्स एंड द लेबर क्लास वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट एनी सिचुएशन अदर देन द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। और फार्मर और लेबर जो थे, ये लोग चाहते थे कि सारी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन हो जाए, तभी वो काम करेंगे उसमें। वर्कर्स क्लास वॉज ऑल्सो नॉट रेडी टू वर्क वॉलेंटरली। और जितने भी वर्कर थे वो भी काम नहीं करना चाहते थे। स्टॉपिंग द रिड्यूसिंग प्रोडक्शन वॉज नेसेसरी, स्टॉपिंग द रिड्यूसिंग प्रोडक्शन वॉज नेसेसरी। और जो प्रोडक्शन दिन ब दिन घटता जा रहा था, उसको रोकना भी ज़रूरी था। देयर फोर, इसलिए सेवर कंट्रोल हैड बिकम इंडिस्पेंसेबल इन दो सरकमस्टांसेस। तो ऐसे में क्या था कि इंडिस्पेंसेबल मतलब इसेंशियल, तो ऐसे में क्या था कि काफ़ी करे कंट्रोल्स लेना ज़रूरी हो गया था। अल्टीमेटली और आखिर में वॉर कम्युनिज्म वॉज अडॉप्टेड। वॉर कम्युनिज्म जैसी प्रोविजनल पॉलिसी लाई गई। सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म वर ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड विथ वॉर कम्युनिज्म। तो जो ट्रेडर्स थे, जो इन्वेस्टर थे, वो लोग इसके अगेंस्ट में थे वॉर कम्युनिज्म के, क्योंकि वॉर कम्युनिज्म में क्या हुआ था, सारी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया गया था। मतलब जितने भी ट्रेडर्स थे, अब वो अपने मन से मार्केट नहीं कर सकते थे। तो वर्कर्स एंड फार्मर्स ऑल्सो वर नॉट सेटिस्फाइड, बट द सोवियत गवर्नमेंट वॉज सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग रशिया एज वेल एज कम्युनिज्म फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज। तो क्या हुआ कि वर्कर्स और फार्मर भी वॉर कम्युनिज्म से उतना खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी जो सोवियत गवर्नमेंट थी वो रशिया को और कम्युनिज्म को बचाने में कामयाब हो गई इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से। एक्सटर्नल एनिमीज़ मतलब
जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे यहाँ पर, जो हमने बात की थी एक्सटर्नल पावर्स की, और इंटरनल मतलब जो सपोर्टर्स थे कैपिटलिज्म के, वो शी सक्सीडेड इन रिस्ट्रिक्टिंग द रैपिड रिडक्शन एक्सपेक्टेड इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो कमी हो रही थी उसको रोकने में सोवियत गवर्नमेंट कामयाब हो गई थी, वनली बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ वॉर कम्युनिज्म, सिर्फ वॉर कम्युनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करके। एज द सिविल वॉर वॉज ओवर, और जैसे सिविल वॉर ख़त्म हुआ एंड फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश, और सोवियत गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल इकोनॉमी पर इस्टेब्लिश हो गया, नाइदर लेनिन डिलेड एनी मोर नॉर शोन एनी हेजिटेशन इन अबैंडनिंग द वॉर कम्युनिज्म। वैसे ही लेनिन ने क्या किया, वॉर कम्युनिज्म को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। इमीजिएटली जस्ट आफ्टर द अबैंडनिंग ऑफ द पॉलिसी ऑफ वॉर कम्युनिज्म, लेनिन प्रेजेंटेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर रैपिड एंड परमानेंट डेवलपमेंट ऑफ रशिया, और वॉर कम्युनिज्म को हटाकर लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले आया परमानेंट डेवलपमेंट करने के लिए रशिया का। इट्स सो अपीयर्स दैट लेनिन, ऐसा लग रहा था कि लेनिन ऑलवेज पजेस्ड वन और द अदर सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। लेनिन के पास इकोनॉमी के हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है इन हिज माइंड। इफ़ वन सॉल्यूशन डिड नॉट प्रूव बेनिफिटिंग, लेनिन प्रेजेंटेड इमीजिएटली द अदर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर एक सॉल्यूशन काम नहीं करता है तो वो दूसरा सॉल्यूशन रख देता है। नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ ये, वॉट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, और उस सॉल्यूशन से इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो इफेक्ट है वो परमानेंट रहेगा या टेम्प्रेरी रहेगा, ये भी लेनिन को काफ़ी अच्छे से पता रहता है और वो एडवांस में ही उसको बता देता है। हाउ मच पीपल कुड अंडरस्टैंड, इट वॉज अ सेपरेट क्वेश्चन। अब लोग उसको कैसे समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, वो अलग क्वेश्चन है। द कैपेसिटी ऑफ इस्टेब्लिशिंग द पॉलिसी ऑफ कम्युनिज्म सो कॉन्फिडेंटली, यूजिंग देम इन प्रैक्टिस, एनालाइजिंग इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, प्रोड्यूसिंग फोरकास्ट ऑफ इट्स इफेक्ट, वॉज प्रेजेंट इन लेनिन ओनली। सिर्फ और सिर्फ लेनिन में ही ऐसी खूबी थी कि वो जो पॉलिसी थी कम्युनिज्म की उसको बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकता था, उनको प्रैक्टिस में ला सकता था, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बता सकता था, और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी अच्छे से बता सकता था। रीजन्स क्या थे, द रीजन्स वर द लेनिन्स डीप थिंकिंग एंड स्टडी ऑफ द रशियन इकोनॉमी एंड इट्स प्रॉब्लम, क्योंकि लेनिन ने रशिया की इकोनॉमी और उसके प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से पढ़ा था। ही इज़ अर्नेस्ट एम्बिशन ऑफ गिविंग इंटायरली न्यू डायरेक्शन टू द रशियन इकोनॉमी, वो रशिया की इकोनॉमी को एक नया डायरेक्शन देना चाहता था। ही इज़ अटमोस्ट डिज़ायर फॉर डेवलपिंग द इकोनॉमी एट एन अनप्रेसिडेंट स्पीड, वो चाहता था कि ये जो इकोनॉमी है वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करें। और चौथा, हिज फुल डेडिकेशन टुवर्ड्स कम्युनिज्म, वह कम्युनिज्म के तरफ पूरा डेडिकेटेड था। लेनिन हैज़ अ गुड स्टडी ऑन वॉर कम्युनिज्म, लेनिन ने वॉर कम्युनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, एंड ऑन इट्स डिफेक्ट्स ऑल्सो, मतलब उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स सब अच्छे तरीके से उसने पढ़ा था। बाय द वे, द सीड्स ऑफ न्यू पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द न्यू इकोनॉमी वॉज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन वॉर कम्युनिज्म, बट द क्रेडिट गोज़ टू लेनिन द ग्रेट फॉर प्रोवाइडिंग एंड अडॉर्निंग एंड यूजफुल फॉर्म टू इट। जो पॉलिसीज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में थी लाई गई, वो वॉर कम्युनिज्म में पहले से प्रेजेंट थी, और क्रेडिट जितना भी है इन सारी चीज़ों का कि वॉर कम्युनिज्म का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो सारा जाता है लेनिन को, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और वॉर कम्युनिज्म जैसी प्रोविजनल पॉलिसी को फ्रेम किया था। मेनी कमेंट्स वर पास्ड ऑन अबैंडनिंग ऑफ वॉर कम्युनिज्म एंड इस्टेब्लिशिंग न्यू पॉलिसी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि वॉर कम्युनिज्म को हटाकर कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड एट द सिंबल ऑफ फेलवर ऑफ वॉर कम्युनिज्म बाई द अपोनेंट्स, जो लोग सोवियत गवर्नमेंट के अपोनेंट्स में थे, अपोजिट में थे, वो कहते थे कि वॉर कम्युनिज्म फेल हो गया इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। दिस वॉज डेजिग्नेटेड एज नीलिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म बिफोर द कैपिटलिज्म ऑल्सो, और ऐसा माना जाता था कि जो सोशलिज्म का प्रिंसिपल है वो कैपिटलिज्म के आगे घुटने टेक चुका है। बट द सपोर्टर्स ऑफ लेनिन वर नॉट स्केर्ड ऑफ दिस एलिगेशन एंड क्रिटिज्म, लेकिन जो लेनिन के सपोर्टर थे वो जानते थे कि ये सब जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये सही नहीं है, और वो इससे डरते भी नहीं थे। लेनिन एंड हिज फॉलोअर डेजिग्नेटेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एज ए स्टेशन, लेनिन और उसके फॉलोअर ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एक स्टेशन की तरह बताया
बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्योर कम्युनिज्म एंड रिट्रीटिंग बैक फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पावर फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशलिस्टिक स्टेट परमानेंटली। और उन्होंने बोला कि ये वैसा स्टेशन है जहाँ कम्युनिज्म को पूरी तरीके से जहाँ से स्टार्ट किया जाएगा लाना, और जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन थे इम्पॉर्टेंट पावर्स के जो कि सोशलिस्टिक स्टेट्स को परमानेंटली करते थे उनको रिट्रीट करना। तो सम कम्युनिस्ट मेंबर्स टू और कुछ कम्युनिस्ट मेंबर्स भी वर कन्फ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे। रिमूविंग देयर कन्फ्यूजन, लेनिन सेड, उनके कन्फ्यूज़न को हटाते हुए लेनिन कहता है, इफ़ सम ऑफ द कम्युनिस्ट मेंबर थिंक दैट इन 3 ईयर्स ओनली द होल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी चेंज, अगर कुछ इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं कि 3 साल में पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी एंड द रूट्स ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली और एग्रीकल्चर पूरी तरीके से बदल जाएगा, देन सर्टेनली दे आर विजनरी। तो ये पक्का है कि वो विजनरी, मतलब वो भविष्य देख रहे हैं। एंड वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर आर सम सच विजनरीज अमंगस्ट अस, और हमें इस बात को मानना ही पड़ेगा कि हमारे बीच कुछ विजनरीज हैं, फ्यूचर जानने वाले हैं। लेनिन वॉज फुल ऑफ प्रैक्टिकलिटी, लेनिन प्रैक्टिकल करने पर ज़्यादा भरोसा रखता था। ही टू न्यू दैट इट वुड टेक सम टाइम इन चेंजिंग द बर्जियोज एंड मिडिल क्लास एटीट्यूड ऑफ द फार्मर्स ऑफ रशिया, वो जानता था कि फार्मर्स जो हैं रशिया के और जो लेबरर्स हैं उनको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा इन टू सोशलिस्टिक एटीट्यूड, मतलब पहले जो कैपिटलिज्म चल रहा था उससे हटाकर सोशलिज्म लाने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, ये लेनिन को भी पता था। इट अपीयर्स दैट सी ऑफ पेशेंस एंड नॉलेज वॉज अंडुलेटिंग इन लेनिन, लेनिन में बहुत सब्र भी था और उसके पास बहुत नॉलेज भी था, एंड ही अलोन हैड बीन प्रेजेंटिंग इंटायरली न्यू एंड सक्सेसफुल गाइडेंस ऑफ टू रशिया, और वो अकेले ही उसने क्या किया, एक नया और सक्सेसफुल गाइडेंस रशिया को किया, मतलब गाइड किया उसने रशिया को। देयर वॉज ए स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़ लाइक, अब जो क्या है लेनिन के अंदर, इनसाइट, फारसाइट, फोरसाइट, प्रैक्टिकलिटी, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलाइजेशन, कंटेम्पलेशन एट्सेट्रा, ये सभी खूबी उसमें मौजूद थी। ठीक है, और क्या क्या फीचर्स है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के? पहला, एग्रीकल्चरल टैक्स सिस्टम, क्या किया गया, जो भी प्रोडक्शन होता था तो वर्क न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले क्या किया जाता था, उस प्रोडक्शन में से जो सरप्लस था उसको एग्रीकल्चर स्टेट को देना पड़ता था, लेकिन एग्रीकल्चरल टैक्स सिस्टम में क्या किया गया, जो भी प्रोडक्शन करेगा फार्मर उसमें से वो अपना कंजम्पशन पहले साइड कर लेगा, बाकी जो बचा सरप्लस उसमें से कुछ हिस्सा एज अ टैक्स गवर्नमेंट को देगा और बाकी वो फ्रीली मार्केट में सेल कर सकता है। दूसरा, इनकरेजिंग राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, लेनिन जो था पुअर फार्मर्स को ग्रांट्स वगैरह देता था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, उनको हेल्प करता था ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। फ्री ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बहुत सारे क्या किए गए कि जो सरप्लस था ना वो, मतलब एग्रीकल्चरल टैक्स के अलावा जो सरप्लस बचता था उसको फ्रीली मार्केट में सेल करने का प्रोविज़न लाया था लेनिन के गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। चौथा, फ्रीडम टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई थी, मतलब जो वर्कर्स लोग, जो फार्मर्स, लेबरर्स, इनकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई थी वो फार्मर्स को हेल्प करते थे कि वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट में फ्रीली और अच्छे दाम पर बेच सकें। डी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, वार कम्युनिज्म के टाइम पर जो इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया था उसमें से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी उनको डी नेशनलाइज किया गया और जो सिक और अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ थी उनको बंद कर दिया गया था, और लार्ज इंडस्ट्रीज़ अभी भी गवर्नमेंट के अंदर में थी जिसका जो पैसा था, जिसका जो कैपिटल था वो 10 लाख से ऊपर था। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को वापस से प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था, लेकिन उनका जो रेगुलेशन था वो अभी भी लेनिन गवर्नमेंट यानी कि सोवियत गवर्नमेंट के हाथ में ही था। रिवाइवल ऑफ ट्रेड अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपमैन, नेपमैन जो थे, मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मानने वाले जो ट्रेडर्स थे उनको, उनके हाथ में कंट्रोल दिया गया ताकि वो क्या कर सके, वो ट्रेड को बढ़ा सके। रीओपनिंग ऑफ स्टेट बैंक एंड रिफॉर्मिंग द मॉनेटरी एंड फिनेंशियल सिस्टम, स्टेट बैंक को फिर से ओपन किया गया और नया जो करेंसी था टोकन करेंसी उसको सर्कुलेशन में लाया गया।
बैलेंस्ड बजट फॉर प्राइस स्टेबिलिटी। क्या किया गया, लोकल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया और दोनों का रेवेन्यू अलग अलग कर दिया गया, ताकि लोकल बजट अपना रेवेन्यू का सोर्स ढूंढ सके और सेंट्रल बजट अपने रेवेन्यू का सोर्स ढूंढ सके। इससे क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रही थी, खर्च बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिशिट में चल रहा था, तो अब क्या था कि एक्सपेंडिचर कम होगी, जब बजट अलग अलग होगा तो इनके जो इकोनॉमी थी वो भी डेवलप करेगी और ट्रेड भी जो डेफिशिट में जा रहा था वो अब नहीं जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, यही थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। होप सो समझ में आ गया होगा।